टोंक में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और फिलहाल टोंक शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक हल्के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ देर पहले भी भूकंप के झटके और वाइब्रेशन महसूस किया गया था। भूकंप के झटकों से लोगों में फिलहाल दहशत का माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं टोंक से, जहां टोंक में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि इस दौरान कोई भी जान माल का फिलहाल नुकसान नहीं हुआ है। टोंक शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कुछ देर पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, वाइब्रेशन महसूस किया गया था और अब से कुछ देर पहले ही टोंक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत जरूर बनी हुई है, लेकिन अच्छी खबर यह है, राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हल्के झटके भूकंप के टोंक में महसूस किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी वजाहत भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। क्या कुछ अपडेट आपके पास? हेलो, बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ ही देर पहले 10-15 से 20 मिनट पहले टोंक में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। धरती के अंदर वाइब्रेशन सा भी महसूस यहां पर किया गया है, जिसके बाद लोग जो है घबराकर घरों से बाहर यहां पर निकल आए। कुछ देर तक लोग घरों के बाहर रहे और लेकिन उसके बाद लोग घरों में चले गए। लोगों के बीच दहशत भूकंप के झटकों को लेकर देखी गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके जो हैं उनमें ही झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल 2.9 की तीव्रता वाला भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं, जिनका सेंटर निवाई के आसपास यहाँ कहीं से बताया जा रहा है। जी अंश, कितनी देर तक वो रहा थे भूकंप के झटके महसूस किए गए? जो बिल्कुल 10:46 पर एग्जैक्ट जो टाइम है उस पर ही झटके महसूस किए गए थे। हल्का सा वाइब्रेशन भी था धरती के अंदर। करीब 15 से 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुरानी टोंक के कुछ मोहल्लों में एक मकान में दरार की भी सूचना मिली है। फिलहाल जान और माल की हानि की सूचना अब तक नहीं मिल पाई है। बिल्कुल वजाहत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।